करनाल केंद्रीय हलके के सरकारी अस्पताल में आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के सदस्यों ने सरकार द्वारा उनकी मांगों को ना मांगे जाने को लेकर रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर अपनी भड़ास निकाली। काफी संख्या में जमा हुई आशा वर्करों ने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे हरियाणा की आशा वर्कर 9 अगस्त को जेल भरने का काम करेंगी और उसी दिन उनके यूनियन सरकार के खिलाफ कोई और बड़ा आंदोलन चलाने के बारे में घोषणा कर सकती है। आशा वर्कर जिला प्रधान सुदेश ने बताया कि सरकार पिछले काफी समय से उनकी 6 जायज मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इन मांगों को लेकर अभी हाल ही में उनके यूनियन की सरकार के अधिकारियों से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया। सुदेश ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के चलते आशा वर्करों को मान सम्मान देते हुए ताली बजाई, फूल बरसाए और कोरोना योद्धा की उपाधि भी दी, लेकिन इन सब बातों से हमारे परिवार का पेट तो नहीं भरेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने आशा वर्करों को फील्ड में काम करने के लिए मोबाइल फोन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक हमें केवल सिम ही दिया गया है और मोबाइल फोन नहीं। इन वर्करों का कहना है कि हम अकेले सिम का क्या करें, हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम मोबाइल फोन और इंटरनेट अपने खर्चे से चला सके। इंद्र से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। हमारा हड़ताल का दूसरा दिन है और सरकार के कानों पर तक कोई जो नहीं रहेंगी। अभी हमारा कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी करे, सरकार को हम कहना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, तो हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दे, अन्यथा हम कल 9 तारीख को सभी आशा वर्करें जेल भरेंगी, सत्याग्रह में शामिल होंगी और हमारी जो 6 एक्टिविटी हैं, 6 मांगें हैं, सरकार ने अभी तक उनके ऊपर कोई गौर नहीं किया, ना हमारी कोई ऐसी बात माननी है, अभी कोई लेटर आ जाए। फर्स्ट मांग हमारी 8 एक्टिविटी का जो कट हुआ पैसा 50% वो तुरंत लागू किया जाए, और सेकेंड मांग हमारी है जो कोविड-19 के दौरान जोखिम भत्ता आशा वर्करों को 4,000 रुपये तुरंत लागू किया जाए, और जो कोविड-19 के दौरान आशा वर्कर सर्वे कर रही है अपना 1,000 सेंटर का 50% रह रहा हमारा, वो 500 रुपये तुरंत लागू किया जाए, और चौथी मांग हमारी है आशा वर्करों को सामुदायिक स्तर पर स्थायी कर्मचारी यानी कि कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उन्हें जोखिम भत्ता दिया जाए, TADA कटे उनका और PF कटे। ये हम सरकार को कहना चाहते हैं तुरंत करे ये भी काम, और आशा वर्कर को न्यूनतम वेतन इतना कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, इतना न्यूनतम वेतन दिया जाए जो सरकार का न्यूनतम वेतन है आशा वर्करों को दिया जाए, और पांचवी मांग आशा वर्करों को हेल्थ वर्कर का दर्जा दिया जाए, और छठी मांग जो हमारी है आशा वर्करों को जो 21 जुलाई 2018 का नोटिफिकेशन था जो जारी किया था सरकार ने, उसमें हमारा आधा अधूरा जारी किया था जिसमें हमारी कई डिमांडें हैं एंड्रॉयड फ़ोन की, उन्होंने सिम दे दी हमें, फोन हम जब हमारे पास किन्हीं आशा वर्क जिन जितनी भी आशा वर्कर हैं 1167 हैं पूरे हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर हैं, उनमें से यानी कि 100 में से 20% आशा वर्करों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। अगर एंड्रॉयड फ़ोन है उनके परिवार वालों के, ना कि सरकार ने हमें दिए, हम उनमें अपनी सिमें नहीं पाएंगे, ना हम काम करेंगे, ना ऑनलाइन सर्वे करेंगे। जब हमें सरकार फ़ोन देगी, सिम में इसमें नेट देगी और हमें बकायदा ट्रेनिंग दी जाए, जो आशा वर्कर हमारी चलाना नहीं जानती उनको ट्रेनिंग भी दी जाए, हम ये कहते हैं अगर ट्रेनिंग देंगे तब आशा वर्कर ये एंड्रॉयड फ़ोन यानी अपना काम करना शुरू करेंगी। सरकार से एक और डिमांड है हमारी, ये जल्दी से जल्दी लागू करें, नहीं तो कल 9 तारीख के समय हम स्टेट का फैसला आ चुका है अनिश्चितकालीन हड़ताल का, हम कल को ही घोषणा करेंगे तो अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद। क्या क्या जिम्मेवारियाँ दी जा रही है आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जैसे कोरोना चल रहा है? कोरोना के जैसे स्वास्थ्य की तरफ से हमें जिम्मेवारियाँ मिल रही हैं, आए दिन कभी जाओ लिस्ट बनाओ, 1 से 19 साल के बच्चों की अलग अलग की लिस्ट बनाओ, कौन सा बच्चा प्राइवेट जा रहा, कौन सा बच्चा कॉलेज में जा रहा, कौन सा बच्चा स्कूल में जा रहा, फिर उनकी लिस्ट बनाने के बावजूद अल्बेंडाजोल खिला के आओ। पहले हमने किया आयरन सिरप बांटे हर घर घर जाके बच्चों को, क्या आशा वर्कर एक दिन भी घर में नहीं बैठी, और जैसे ही कोरोना का मरीज निकलता, जैसे दवाई बांट के आई, कोई पॉजिटिव निकल गया, उसी टाइम आशा वर्कर पानी भी नहीं पिएगी, जिदी फोन आ जाएगा आना कहा कोरोना का पॉजिटिव निकल गया, सारी की सारी आ जाओ टीम, तभी बगलेंगी ना रोटी की ना पानी की। क्या सरकार को ये नहीं दिखता भी थालियाँ बजा दी, फूल बरसा दिए, क्या आशा वर्करों का इसमें पेट भरेगा? कोई नहीं भरेगा अगर सरकार इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं देगी। इस दौरान आशा वर्कर कोरोना योद्धा तो बोल दिया, और देने के लिए आशा वर्करों को कुछ नहीं है सरकार के पास, ये खाली
कोरोना योद्धा ही रहेगी, खाने के लिए इनके भर पेट पे यानी के दिया नहीं जा रहा, इनके बच्चों का भी गुजारा नहीं होता 4,000 में। आवश्यकता से ज्यादा बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है। कहीं आशा वर्करों के साथ तो जैसे पोस्टर लगाने जाते हैं कोविड-19 का, घर के ही उनके साथ अथपाई करने लग जाते हैं, उस टाइम नहीं करते जब बाद में आते हैं ना हॉस्पिटल से दोबारा जाते। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.